नमस्कार, विवेक गुप्ता, करियर काउंसलर, MBBS काउंसलर भी, और वही एज ए करियर काउंसलर आई थिंक ये जो कन्फ्यूजन हो रही है NMC के नोटिस को लेकर रिगार्डिंग फेक न्यूज़ दैट वाज पब्लिश रिगार्डिंग कि भाई 115 कॉलेज अप्रूव हो गए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और देखिए, जब से वो न्यूज़ आई है, कई लोग कहते हैं सर आपने उस पर वीडियो बनाई नहीं, मैंने यही कहा, मैं कहा भाई वीडियो बनाने कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ और सिर्फ 112 कॉलेज जैसे कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट में है, उसके अलावा जो बाकी 58 सीटें हैं, क्योंकि NMC ने पहले कहा था कि भाई जिसको भी सीटें भरवानी है या कॉलेज अप्रूव कराना है वो हमें बताइए, और 15 मार्च को उन्होंने वो लिस्ट डाल दी। उसको देख के कई काउंसलर्स ने चैनल पे डाल दिया कि 112 कॉलेज पक्का खुलने वाले हैं, और उस न्यूज़ को देख के 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले 2-4 अखबारों ने भी छाप दिया, और फिर उसकी वजह से NMC को फाइनली क्लैरिफाई करना पड़ा है कि भाई अभी ऐसा कुछ भी पक्का नहीं है। और इन दरमियान जैसा आपको पता ही है कि आई हैड एक्सीडेंट्स, हो मार्च एंड तक मैं कुछ वीडियोज़ नहीं बना रहा था जब वो 15 मार्च को 112 कॉलेज का नोटिस आया था, पर जो भी मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ फॉर 2024 काउंसलिंग, एज वी यू नो वी डोंट टेक मोर देन 100 स्टूडेंट्स एज ए क्लाइंट, और आप सबके आशीर्वाद से वी ऑलरेडी हैव गॉट मोर देन 50 क्लाइंट्स, तो बस और कुछ 46-47 क्लाइंट्स हमें चाहिए, और फिर वी विल स्टॉप एक्चुअली एंटरटेनिंग मोर क्लाइंट्स एज ए फुल टाइम बेसिस, क्योंकि इससे ज़्यादा हम काम कर नहीं पाते। वी डू गुड वर्क, एक्सक्लूसिव वर्क फॉर 100 क्लाइंट्स अ ईयर फॉर MBBS, उतना ही मेरे पास समय है, लुकिंग एट ना कि दिन में 24 घंटे तो होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो नहीं बना पाया था, पर पर्पस आप समझियो, शायद आने वाले अगले 4 महीने में कई खबरें कई चीज़ें छपती हैं जस्ट टू गेट व्यूज़ ऑन YouTube और व्यूज़ ऑन कोई अखबार छाप रहा है, तो ये एवरीबडी इसका इज डूइंग समथिंग फॉर कमर्शियल पर्पस, तो ये अखबार वाले भी छाप देते हैं, आपने पढ़ा, आपने दसियों को फॉरवर्ड किया तो उनके वो व्यूज़ बढ़ गए, डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में किसी ने वीडियो बनाया तो उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एंड दिस इज़ हाउ पीपल टेंड टू कवर दिस काइंड ऑफ न्यूज़ विदाउट गोइंग इन टू डेप्थ कि वेदर दिस न्यूज़ शुड बी कवर्ड एज ऑफ नाउ और नॉट। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके फ़ोन भी आए कि चलो सर 112 कॉलेज आने वाले हैं, कुछ प्राइवेट हैं कुछ सरकारी होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने कहा पहली बात तो अभी पक्का है नहीं 112 आएंगे, और अब मेरी जजमेंट लो ना, आई थिंक जितना मैंने नाम पढ़े, ठीक है, ऐसा लगता है मेरे को कि शायद बहुत कम कॉलेजेस ही आएंगे, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, और ये जो मेरे पास लोग आते हैं मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ, मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग ना हमेशा इज़ ए पॉलिटिकल थिंग, और इतने सारे कॉलेज अचानक एक साल में आना, क्योंकि जो लोकल CMs होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स या लोकल MLA जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो हमेशा इस चीज़ को प्रचार किया जाता है कि भाई हम अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लाने वाले हैं, तो वो जनता को दिखाया जाता है, देखो लिस्ट में नाम है, देखो हमने ऑलरेडी आगे भेज दिया और कॉलेज अप्रूव होने वाला है। बहुत मैं आपको अपना लॉजिकल बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शंस में लास्ट तक ख़त्म हो जाएंगे और तब तक ज़रूरत नहीं है NMC को ये अप्रूवल देने की, क्योंकि पेपर रिजल्ट तो जून में आएगा ना। काफ़ी इसमें से कॉलेज, खासकर जो उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं एज़ पर दिस लिस्ट, जो तेलंगाना के हो गए, राजस्थान के हो गए, दीज ऑल दिस कॉलेजेस वर रिकमेंडेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, और राजस्थान सरकार जाते जाते खोल दो खोल दो खोल दो, क्योंकि आप उसका प्रचार करना चाहते थे, तेलंगाना सरकार क्योंकि सबके दिसंबर में इलेक्शंस हुए हैं, उत्तर प्रदेश की भी सेम बात है क्योंकि वो हवा लगानी है लोकसभा के लिए, बट जैसे एक बार लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं, और फिर हम जानते ही हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में इलेक्शन होने हैं अगले एक साल में, इफ़ यू टॉक अबाउट द कैलेंडर मंथ्स, तो दिल्ली में तो वैसे एक ही कॉलेज लिस्ट में आ रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस आ जाएँ, लेकिन डेफिनेटली मेरी गट फील कहती है कि UP के, राजस्थान के या तेलंगाना के जितने भी कॉलेज लिस्ट में कॉलेजेस हैं, हार्डली एनी कॉलेज विल स्टार्ट इन 2024। देखिए, जो 2 साल 1 साल पहले UP में नए कॉलेज खुले हैं उन्हीं की हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, ना फैकल्टीज़ हैं, ना कुछ है, ना पढ़ाने का कोई ढंग से तरीका है, ना क्लासरूम अभी तक बने हैं, और जो मैंने कहा ना सीरियस गवर्नमेंट सब समझती है, लेकिन आप इसको लॉन्च कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपको वो पॉलिटिकल गेन चाहिए होता है, तो मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ जो मुझसे मिलने आते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोलना इज़ ए पॉलिटिकल इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉइंट, इट्स सच अ बिग थिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने खोल रहे हैं, कितने बंद हो रहे हैं, नोबडी बॉदर्स, नोबडी केयर्स,
लेकिन मेडिकल कॉलेज कितने खुलते हैं वो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब उस कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, किस लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग ना मेडिकल कॉलेज खोलने का पर्पज़ पता क्या था एक ज़माने में, कि भाई वहाँ की जनता को ये माना जाता था कि जी हमारे एरिया में मेडिकल कॉलेज है, विच मीन जो उसका हॉस्पिटल है दैट वुड बी ग्रेट बिकॉज मेडिकल कॉलेज चल रहा है जी, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, तो हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी विच विल हेल्प टू रन अ गुड मेडिकल कॉलेज। तो इस वजह से जो जनता थी, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, दे यूज टू लुक आफ्टर कि हमारे एरिया में मेडिकल कॉलेज खुले, हमारे एरिया में एम्स खुले। लेकिन अगर वो एम्स खुल के भी वो एम्स वाला काम नहीं कर पा रहा है, नाउ विद ड्यू रिगार्ड्स, आपको पता है उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश और हिमालयन जॉली ग्रांट में से कौन सा बड़ा अस्पताल है, चेक कीजिए, हिमालयन जॉली ग्रांट। सो हिमालयन, इट इज़ एम्स ऋषिकेश है जहाँ से पेशेंट्स रेफर होके हिमालयन जॉली ग्रांट आते हैं, नॉट वाइस वर्सा। तीनों आसपास ही है ना, श्री गुरु राम राय, एम्स ऋषिकेश और हिमालयन जॉली ग्रांट। सो तीनों में इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑल दैट सबसे ऊपर जॉली ग्रांट है, नंबर टू गुरु राम राय है और नंबर तीन एम्स ऋषिकेश है। तो जस्ट बिकॉज समबडी इज़ एम्स दैट डजेंट मीन कि वो एम्स आपको इस समय वो सारी फैसिलिटी दे रहा है जो आपको उम्मीद थी या लोकल जनता को उम्मीद थी। एम्स झज्जर खुले बहुत साल हो गए, बाकी मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहता। तो कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं विद मेडिकल कॉलेजेस, खैर एम्स झज्जर में तो नहीं है मेडिकल कॉलेज, बट एम्स ऋषिकेश में है, राइट। तो चाहे वो यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो, एम्स ऋषिकेश से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपोजर आपको हिमालयन जॉली ग्रांट में मिलता है। एम्स नागपुर से काफ़ी बेटर एक्सपोजर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में मिलता है। खैर दत्ता मांगे तो बेकार ही है जो नागपुर वाला है, और डेफिनेटली एम्स नागपुर से बेटर MGM वर्धा है, जबकि वो तो एम्स नहीं है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, मेहनत करी है जा जाकर, आप लोगों के लिए देखा है, रिसर्च करी है, जो मेरे नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस जॉब्स। तो आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता, बिफोर डूइंग स्टार्टिंग दिस वर्क आई एम ऑल्सो हाईली एजुकेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड सम कॉर्पोरेट रोल्स जिसमें मैं पूरा हिंदुस्तान में घूमता था। तो जो इंडिया के टॉप 100 सिटीज़ हैं सब में मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, और महाराष्ट्र की बात करूँ तो मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, बेलगावी, इन सब में ना मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर सीनियर कंपनीज में जॉब्स करते हैं, देहरादून, पंजाब की बात करूँ लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, हर जगह मेरे फ्रेंड्स हैं। राजस्थान की बात करूँ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर में नहीं है, कोटा। तो उनसे मैं खुद भी जाता हूँ, लेकिन नहीं भी जा पाया तो बहुत एक फर्स्ट हैंड फीडबैक मिलती है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट, इन दो सिटीज़, इन दो स्टेट्स। एंड समटाइम अगेन फॉर माई क्लाइंट्स वी ऑल्सो हेल्प देम। अब हमारे किसी क्लाइंट को बरेली में घर चाहिए था टू लिव विद हिज सन, तो बरेली में जो मेरे जानकार हैं उनकी मदद से हमने उनको फ्लैट दिलवाया किराए पे, बहुत अच्छा सा नॉमिनल रेंट पे, बट बेसिकली देर इज़ ए हेल्पिंग हैंड, और वो हेल्पिंग हैंड मैं अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को दे पाता हूँ, मेरा कुछ जाता नहीं है, और मेरे फ्रेंड्स हैं हर जगह। तो मोर देन 100 बिग सिटीज़ आई कैन से आई हैव वेरी डीप नेटवर्क, और वो आपको भी हेल्प मिलती है जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, और वहीं से कभी मैं खुद गया, कभी वहाँ से फीडबैक आई। फिर सबसे पहले गुरु राम राय उत्तराखंड की महानता का मुझे ऐसे ही पता चला था, या DMC लुधियाना का, क्योंकि हमारे लुधियाने में जानकार हैं, और उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला सर लुधियाना का DMC तो मतलब हमारे लिए तो मैक्स भी यही है, फोर्टिस भी यही है। तो ये सब जानकारियाँ ही देना मेरा काम है, इसलिए हम शायद चार्जेस हमारे थोड़े ज़्यादा होते हैं, और हम न टेली कॉलिंग करते हैं, ना मुफ्त में किसी से बात करते हैं। यू वॉन्ट टू कॉल अस 9643362320, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप हमें कॉल करते हैं, फ़ोन पे बात करने के 2500 रुपये, मिलने के 5000 रुपये, और फिर जो हमारे 4 पैकेज हैं कोई भी लेते हैं ये फीस उसमें भी एडजस्ट होती है। देन यू ऑलवेज वर्क डायरेक्टली विद मी, यू टॉक टू मी, यू कॉल मी, यू व्हाट्सएप विद मी, ओनली द फर्स्ट कॉल व्हेन यू सेट अप द मीटिंग इज पेड बाय द असिस्टेंट। आपका सारा केस, आपके हॉस्टल के, आपके सिक्योरिटी रिफंड्स वापस आने तक इज़ वट वी आई हैंड होल्ड यू। एंड मैंने आपको वही कहा, उसके बाद भी क्योंकि जिस भी शहर में आपका बच्चा पढ़ रहा है, अक्सर उस शहर में मेरी जान पहचान होती है। वैसे तो मैं ये भी बताऊँ कि एक बार आपके बच्चे को 6 महीने मेडिकल कॉलेज में हो जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी सपोर्ट करता है, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, बट फिर भी वी आर ऑलवेज हेयर, क्योंकि मैं काम पैशन से, शौक से करता हूँ, तो मुझे वैसे भी अच्छा ही लगता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और हमसे संपर्क करना चाहें
9643362320. मैं हमेशा कहता हूँ वी डोंट टेक मोर देन 100 स्टूडेंट्स. बाय द गॉड ग्रेस वी ऑलरेडी हैव क्रॉस्ड 50 फॉर दिस ईयर, अनदर 47-48 एंड देन वी शैल बी क्लोजिंग टू हायर और टेक मोर क्लाइंट्स फॉर दिस ईयर. जो भी हमारा क्लाइंट बनना चाहता है तुरंत हमसे संपर्क कीजिए, जो भी पैकेज है वो ले सकते हैं, उसके हिसाब से काम आगे बढ़ जाएगा. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.